डिजिटल इंडिया निश्चित तौर पर एक क्रांति बनकर उभरी है। बदली पड़ी हुई परिस्थिति में गांव की भी डिजिटल इंडिया में भागीदारी अनिवार्य बन गई है। गांव के लोगों को भी इस प्रकार की ऑनलाइन सुविधाओं की जरूरत बढ़ गई है। इसको ध्यान में रखते हुए 6 लाख से अधिक गांव में हजारों लाखों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का काम चलाया जाएगा और हमने तय किया है 1000 दिन के अंदर अंदर देश के 6 लाख से अधिक गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काम पूरा कर दिया जाएगा। शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच डिजिटल सुविधाओं की बराबरी के लिए गुजरात ने डिजिटल हाईवे का एक तय योजना के मुताबिक निर्माण किया है। आज गुजरात में 7000 गांव हाई स्पीड नेटवर्क से जुड़ गए हैं। हमने अपने प्रयासों को डिजिटल विलेज के लक्ष्यों के साथ जोड़ा और विश्व के सबसे बड़े ग्रामीण ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट भारत नेट के फेज 2 में निर्धारित अपने लक्ष्यों को पूर्ण किया। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। जहां डॉक्टर नहीं पहुंच पाते, अगर हम टेली मेडिसिन का नेटवर्क खड़ा करें तो वहां पर बैठे हुए गरीब व्यक्ति को भी किस प्रकार की दवाई की दिशा में जाना उसका स्पष्ट मार्गदर्शन मिल सकता है। आज गुजरात देश का पहला राज्य है जिसने डिजिटल हाईवे का निर्माण और प्रयोग कर 5 मॉडल गांव तैयार किए हैं। इन गांवों में डिजिटल क्रांति से ग्रामीण व गरीबों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया है। सेवाओं की उपलब्धता की दृष्टि से अब ये गांव शहरों से कम नहीं, ये गांव ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण की पहचान है। डिजिटल सेवाओं की निश्चितता और निरंतरता के लिए हमने गांव में उपलब्ध नेटवर्क को गांधीनगर के डेटा सेंटर से कनेक्ट कर दिया है। अब इन गांवों की आम जगहों पर वाईफाई कनेक्टिविटी, गुजरात के गांव में हाई स्पीड वाईफाई आधारित पब्लिक इंटरनेट का मिलना भारत में डिजिटल बराबरी का सटीक सूचक है। मांग के अनुसार घर में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाओं की उपलब्धि गांव के लोगों को अपनी मर्जी के अनुसार ऑनलाइन काम करने की सहूलियत देती है। CCTV सर्विलेंस के कारण गुजरात के ये गांव अब सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से भी शहरों से कम नहीं। सारे गांवों की CCTV फीड को एक सेंट्रलाइज वीडियो मैनेजमेंट के जरिए देखा जा सकता है। अब डॉक्टरों से अपने इलाज के लिए इन गांवों के लोगों को शहर जाने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से कोई भी ग्रामीण शिक्षा प्राप्त कर सकता है, आत्मनिर्भर हो सकता है। इन गांवों के प्राथमिक और सारे विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ दिए गए हैं और डिजिटल एजुकेशन यहां शिक्षा का नियमित पहलू बन गया है। गांववासी ऑनलाइन कई सेवाओं का लाभ सेवा सेतु जैसे सरकारी ऐप के जरिए गांव में रहकर ही ले सकते हैं। एक निर्णायक नेतृत्व ने देश में डिजिटल इंडिया का संकल्प लिया और हमने डिजिटल विलेज को साकार किया है गुजरात में और हमारे मॉडल गांव में हाइब्रिड केबल का प्रयोग तो कम लागत व प्रभावी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नया आदर्श है।